हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन, और ये हमारी 39वीं सीरीज है, और जिसमें आपको 38 जो वीडियो हैं वो आपकी स्क्रीन पर एंड में आ जाएंगे। देख लीजिएगा, उन्हें बहुत ही आपके लिए उपयोगी होंगे। वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं, करंट से भी जुड़ के क्वेश्चन हैं, और मुझे लगता है इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित योजनाओं में से किन्हें लघु बचत योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन स्टेटमेंट है आपके, लोक भविष्य निधि, डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र। ये आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए दिया गया है यहाँ पर, और इसके जो आंसर हैं वो सारे ही हैं, यानी डी आंसर है। तो इसको ध्यान में रखें, लघु बचत योजना के रूप में इन छहों के छह जो दिए गए हैं इनको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भू इंजीनियरिंग शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, वायु में ऊष्मा परावर्ती कणों को अधिक करना, ये होता है भू इंजीनियरिंग शब्द का अर्थ। यानी भू इंजीनियरिंग में क्या होगा, वायु में ऊष्मा परावर्तित कणों का अधिक होना जो हो जाता है भू इंजीनियरिंग, यानी वायु में ऐसे कणों की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हो जाती है जिससे ऊष्मा क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, यानी वापस चली जाती है, जिससे वातावरण ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जो खाद्य श्रृंखलाओं में घटित होती है। जैव आवर्धन, इसको ध्यान में रखें, इससे घटित होने के लिए प्रदूषक के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? दीर्घजीवी, गतिशील, वसाओं में घुलनशील। तो इसका जो आंसर है तीनों ही है, यानी कि दीर्घजीवी होना भी जरूरी है, गतिशील होना भी जरूरी है, वसाओं में घुलनशील होना भी जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस केवल आप ध्यान में रखें थोड़ा सा इन्हें, जैव आवर्धन को। निम्नलिखित में से टैगा वनों में झाड़ीदार वनस्पतियों की विरल वृद्धि हेतु योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, सूर्य की सीधी किरणों की अनुपस्थिति और ग्रीष्म ऋतु की लघु अवधि। दूसरा स्टेटमेंट है, अत्यधिक निक्षालित मृदाएं, यानी कमजोर मृदाएं जो जल्दी क्षलित हो जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, सदाबहार वनस्पति जिसमें पत्ते कम झड़ते हैं। तीसरा चौथा स्टेटमेंट है, पत्तियों के कूड़े करकट की उच्च अपघटन दर, कूड़ा करकट है जल्दी से जल्दी अपघटित हो जाता है वो। तो इसमें से क्या एक तरह से कारक हैं विरल वृद्धि हेतु योगदान में टैगा वनों में? तो ये हैं आपके 1, 2 और 3, यानी चौथा नहीं है, पत्तियों के कूड़े करकट की उच्च अपघटन दर नहीं होती है वहाँ पर, धीमी दर होती है, बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी के तीनों ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है, और इनमें से क्या बताना है, किसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकती है? तो इनमें से किस किस की होती है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण? सुनामी की होती है, आपको पता है, अम्ल वर्षा की भी होती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जिससे अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है जो कि ज्वालामुखी से निकलती है। अम्ल वर्षा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है इससे, जलवायु ज्वालामुखी विस्फोट से। जलवायु परिवर्तन तो हो ही जाएगा अपने आप में, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर क्या होता है, गैसें जो हैं वो निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। प्राथमिक जैविक अनुक्रमण भी होता है और द्वितीयक जैविक अनुक्रमण भी होता है। तो इसमें से जो है सारे के सारे सही हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें दोनों टर्म्स को। इनको नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है और विदेशियों पर लागू नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य जो है विदेशियों पर लागू नहीं है, केवल नागरिकों पर लागू है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु कोई विधान अधिनियमित नहीं किया गया है। तो ये गलत है, विधान तो अधिनियमित कर दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, अन्याय के प्रतिरोध का कर्तव्य मूल कर्तव्य का एक भाग है। तो आपको पता होगा ऐसा कोई नहीं है,
अन्याय के प्रतिरोध का कर्तव्य, आपको जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 51 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत दिए गए हैं और भाग 4 का के अंतर्गत दिए गए हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से देख लेना जरूरी है। और अपने नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको वीडियो एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देख लीजिएगा, एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इसमें से आंसर केवल एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यह देश के प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि किसी किशोर को वयस्क माना जाए अथवा नहीं, तो ये गलत है बिल्कुल। ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, ना कि उच्च न्यायालय को डिसाइड करना पड़ता, तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। जैसा कि अभी निर्भया वाले एक केस में क्या किया गया था, 16 साल कर दी गई थी उसकी, तो एक तरह से ये बाद में करी गई थी, न्यायालय द्वारा नहीं करी गई थी। न्यायालय को निर्धारण करने की शक्ति नहीं है, ये संसद को शक्ति है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें बच्चों को गोद लेने तत्त्व ग्रहण के संबंध में प्रावधान है, तो ये बिल्कुल सही है इस अधिनियम के बारे में, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में। तो लगभग 1-2 साल के अंदर जो करंट आ जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, 1 और 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका ऋण पुनर्संरचना हेतु रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना में ऋण के एक अंश को इक्विटी यानी शेयर में परिवर्तित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इक्विटी को क्या होता है, इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर दिया जाता है ऋण के एक अंश को। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA के रूप में व्यवगत नहीं किया जाता, ये भी सही है। ये NPA के रूप में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। NPA तो आपको पता है कि जो लोग ऋण लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते 3 महीने तक, तो वो होता है एक तरह से गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, तो ये ध्यान रखना है। पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल महल परिसरों की एक लोकप्रिय विशेषता नक्कार खाना क्या था। नक्कार खाना पर थोड़ा सा ध्यान में रखें, नक्कार खाना था नगाड़े रखने का एक स्थान था ये, जहाँ से धार्मिक अनुष्ठानिक संगीत बजाया जाता था, इसे ध्यान में रखें। नक्कार खाना ऐसे अक्सर क्वेश्चन UPSC पूछ लेती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, कीवर्ड पर ध्यान देना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, किसी नाभिक के रिएक्टर तथा किसी नाभिक के बम के बीच का अंतर उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि दर में निहित है, ये गलत है। आपको पता है नाभिकीय बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और रिएक्टर जो है संलयन पर कार्य करता है, तो ये अंतर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि दर में निहित होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी हाइड्रोजन बम तथा सूर्य में ऊर्जा उत्पादन में निहित सिद्धांत एक होता है, तो आपको मैं बता दूँ, नाभिकीय जो हाइड्रोजन बम होता है वो भी आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और सूर्य की से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो भी नाभिकीय संलयन के आधार पर होती है, और जो परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ये ध्यान में रखना है। नाभिकीय रिएक्टर भी विखंडन पर कार्य करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो ये आपका सही नहीं पूछा था, इस वजह से ये पहला आंसर हो जाता है। तो दोस्तों, ये आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो एग्ज़ाम मेड जी, जैसा कि आपके सामने लिखा है एग्ज़ाम मेड जी, सर्च कर लें और वहाँ पर आपको जो चैनल मिलेगा उस पर जाके काफ़ी सारे वीडियो दिए गए हैं IAS की तैयारी कैसे करनी है, और ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी, ये 38 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे 10-10 क्वेश्चनों की, 10-12 13-13 क्वेश्चनों की, जिससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे उससे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, देखते रहें एग्जाम मेड जी, धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने ईश्वर के ज्ञान के लिए संन्यास और पुस्तकीय ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, आपको पता है। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के लिए संन्यास को तो बिल्कुल ही नहीं माना और पुस्तकीय ज्ञान के तो खिलाफ ही थे वो। और दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत प्रथा की निंदा की। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने करी थी। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है, बीजक संत कबीर की शिक्षा का संकलन है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से आंसर हो जाता है 2 और 3। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोवेव्स विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। ये निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त की जाती हैं? तो पहला है आपका रडार सिस्टम के लिए, नाइट विजन उपकरण के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में पूछा है, ये कहाँ कहाँ यूज करी जाती है? रडार सिस्टम के लिए, नाइट विजन उपकरण के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो है नाइट विजन के लिए उपकरण में नहीं यूज करी जाती है, और बाकी के रडार सिस्टम और भोजन बनाने में की जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किशोर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभ की गई राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, चोट और हिंसा, मादक द्रव्य दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये पांचों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? साइमन कमीशन योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, या फिर मार्लियामेंटो सुधार के तहत, या पुनः पैक्ट के तहत? तो आपको पता होगा मार्लियामेंटो सुधार जो है 1919 में आया था, 1911 में आया था, तो ये उसी के तहत हुआ था, पृथक निर्वाचक मंडल। निम्नलिखित में से कौन से प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी हैं? पहला स्टेटमेंट है, गर्तों के किनारे शिलाखंडों का खिंचाव, जैसे स्लैब पुल। दूसरा स्टेटमेंट है, महासागरीय कटकों के निकट उत्पन्न कटक जनित दबाव, यानी रिज पुश। और तीसरा स्टेटमेंट है, महाद्वीपों पर भू आकृतियों का अपरदन। तो इनमें से जो उत्तरदायी कारण है वो है आपके पहला और दूसरा। तीसरा कारण नहीं है इसमें, अपरदन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किन मानदंडों के आधार पर किसी प्रजाति को क्रिटिकली इंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट है आपका, प्रौढ़ जीवों की अनुमानित जनसंख्या 10,000 से भी कम हो जाना। दूसरा स्टेटमेंट है, सीमित भौगोलिक परास। तीसरा स्टेटमेंट है, वनों में विलोपन की उच्च संभावना। तो इनमें जो होता है वो दूसरा और तीसरा सही है। पहला आपका गलत है, 10,000 से कम हो जाना ये एक तरह से इसको घोषित करने के लिए जरूरी नहीं है। सकल नामांकन अनुपात यानी GER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इम्पोर्टेंट है ये। पहला स्टेटमेंट है, यह शिक्षा के किसी विशिष्ट स्तर पर आयु वर्ग से निरपेक्ष कुल नामांकन है, जिसे आधिकारिक रूप से स्कूल जाने योग्य जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में निरूपित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, पिछले लगातार 5 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है कमी आई है। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, दूसरा कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी हुई है। और जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इसके लिए आपको सकल नामांकन अनुपात की, क्योंकि ये करंट में रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी बच्चे की गोद ले बच्चे को गोद ले सकते हैं? अविवाहित महिला, अनिवासी भारतीय और नवविवाहित दंपत्ति। तो मैं आपको बता दूं, पहला दूसरा सही है, नवविवाहित दंपत्ति नहीं ले सकते, उन्हें कम से कम 3 साल के बाद ले सकते हैं शादी के। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, रहा था ये करंट में। प्राय सुर्खियों में रहे हेलसिंकी नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल उपयोग से संबंधित है। इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदियों से के जल है उसके उपयोग से रिलेटिव हमेशा चर्चा बनी रहती है। जैसे हमारे सिंधु जो नदी है उसके बंटवारे से संबंधित बनी रहती है, इस वजह से ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GST परिषद के सदस्य हैं कौन कौन होते हैं? GST परिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और राजस्व सचिव। तो आपको मैं बता दूं, देखिए जो परिषद के जो सदस्य होंगे
वो होंगे आपके केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री, ये प्रधानमंत्री और राज्य सचिव नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह प्रणाली हिंद महासागर रिम देशों को सुनामी संबंधी चेतावनी प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के प्रारंभ होने के बाद स्थापित की गई है, तो ये पहले से ही थी, ये ध्यान में रखना है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें भूकंपी स्टेशनों, सुनामी प्लवाओं और ज्वार मापकों का एक रियल टाइम नेटवर्क शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा आंसर इसका हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन से रिलेटिव भी ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसरो के जो चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह एक पूर्ण रूप से स्वदेशी मिशन है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, मिट्टी और चट्टानी अवसादों के नमूना संग्रह की योजना भी इस मिशन में है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो इसमें जो आंसर है वो है आपका पहला और दूसरा सही है, और बाकी का जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें मिट्टी और जो चट्टानी अवसाद के नमूने संग्रहण करने जैसी चीज़ नहीं होंगी, और लेकिन यह पूर्णतः स्वदेशी मिशन होगा और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इसमें शामिल होंगे। और ये चीज़ें होती क्या हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए ये मून है आपका, ठीक, और ये क्या करेगा, ऑर्बिटर उसे कहते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाए उपग्रह, यानी कृत्रिम उपग्रह जो भेजेंगे हम सैटेलाइट, वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगा मून के, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटर। और लैंडर उसे कहते हैं जो यहाँ पर उतरेगा, जो यहाँ पर उतरेगा, यानी चलेगा नहीं, केवल उतर जाएगा और वहाँ की पिक्चर वगैरह लेगा वहीं एक स्थान से। और रोवर उसे कहते हैं रोबोट के रूप में जो कार्य करता है, यानी चलता है चंद्रमा की सतह पर। तो ये तीनों चीज़ें भेजी जाएंगी, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन से या कौन से देश दक्षिण चीन सागर में स्थित 9 डैश लाइन की सीमा बनाते हैं, तो आपको बताना है वियतनाम, जापान और फिलीपींस। तो आपको पता होगा वियतनाम और फिलीपींस जो है बनाता है 9 डैश लाइन की सीमा, और जापान जो है ऊपर है तो वो नहीं बनाता, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाता है अपने आप में। इसे अच्छे से देख लें और मैप पर आप देख लें। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह अंगीकृत करने के बाद से संविधान के भाग में है। तो आपको पता होगा ये बाद में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य जो है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नहीं है, ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है, तो आपको पता होगा ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस अधिनियम के तहत निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण में वृद्धि हुई है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन की कार्यावधि के दौरान पारित किया गया था। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही हैं वो आपके 2 और 3 सही हैं, और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्वायत्तता प्रदान नहीं करी गई है, और दूसरा और तीसरा सही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, विनिमय दर के संदर्भ में डर्टी फ्लोटिंग
से निम्नलिखित में से कौन क्या आशय है, दैट इज फ्लोटिंग एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो विनिमय दर का निर्धारण पूरी तरह से बाजार शक्तियों के आधार पर करना, दूसरा ऑप्शन है आपका किसी देश की विनिमय दर में नकली नोटों की आपूर्ति करना, तीसरा स्टेटमेंट है घरेलू मुद्रा को स्थिरता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना। तो यही सही है इसका, अच्छे से आप देख लें, डर्टी फ्लोटिंग जो नाम देता है वो इसी को दिया गया है, यानी केंद्रीय बैंक क्या करती है विदेशी मुद्रा भंडार से क्या करती है विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय करती है, तो ये होता है डर्टी फ्लोटिंग। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक कारक अंग्रेजों द्वारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में एक संपन्न बागवानी कृषि का विकास करने में सहायक थे। तो पहला स्टेटमेंट है मंद जो ढाल है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की, और दूसरा है आपका गहन मृदा आवरण है वहाँ पर, तीसरा है मृदु शीत ऋतु है, तीसरा चौथा है आपका वर्षा का उचित वितरण है, और पांचवा है आपका निम्न आर्द्रता है वहाँ पर। तो इनमें से जो सही हैं वो आपके कौन कौन सही है, आर्द्रता नहीं है वहाँ पर, आर्द्रता मतलब ज़्यादा है, सॉरी निम्न आर्द्रता नहीं है, तो पांचवा गलत है, बाकी के ये चार सही हैं। तो स्टेटमेंट हो जाता है 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के बारे में दिया गया एक तरह से ये विशेषताएँ, तो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं एक ही पॉइंट से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ई सिगरेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ई सिगरेट हमेशा न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है यह एक बैटरी ऑपरेटिव डिवाइस है तथा इसमें निकोटिन पदार्थ नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट है आपका भारत में इसकी बिक्री का विनिमय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही गलत हैं, इसमें जो है निकोटिन तो पाया जाता है, ये निकोटिन पाया जाता है ध्यान में रखना है इसमें ई सिगरेट में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ई सिगरेट में निकोटिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है, और इसका जो विनिमय है वो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, इनमें से कोई नहीं आंसर है। देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द कंगायम, इम्पोर्टेंट है, इसे रट लें बिल्कुल, कंगायम किसे संदर्भित करता है? तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है, बैलों की एक नस्ल है ये, जिसे जलीकट्टू के लिए पाला जाता है। जलीकट्टू आपको पता है तमिलनाडु का एक सांडों का खेल था जिसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा था, आपको बिल्कुल इसे क्लियरिटी पता है सारी चीज़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो सांड को जो पाला जाता है उसको बोला जाता है कंगायम। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मृतक की समाधि में शव के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण इस विश्वास के साथ रखा जाता था कि इसका इस्तेमाल मृत्यु के बाद व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका हड़प्पा सभ्यता में नगर दुर्ग और निचले शहर में उपस्थित एक पदानुक्रमित समाज की और संकेत करता है। तीसरा स्टेटमेंट है शेष विश्व से व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिलता जो यह दर्शाता है कि हड़प्पा के शहर आत्मनिर्भर थे। तो आपका जो आंसर है वो 1 और 2 है, और तीसरा जो आपको पता होगा कि व्यापारिक प्रमाण तो मिले ही मिले हैं, तो अपने आप में ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इससे ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट गया, और ये वाला भी कट गया, बच गया 1, 2, तो ये आंसर आपका हो जाता है। इन्हें आप अच्छे से देख लें, विशेषताएं हैं ये सामाजिक आर्थिक इतिहास की हड़प्पा काल की। विस्तृत जनसंख्या वितरण, परास वाली जो प्रजातियां कभी कभी एक पर्यावास के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय जनसंख्या का विकास कर लेती है। इस स्टेटमेंट को आप बार बार सुन लें ध्यान से। इस स्थानीय रूप से अनुकूलित जनसंख्या को निम्न में से क्या नाम दिया गया है या क्या कहा जाता है इसे, इकोटॉन, पारिस्थितिकी निकेत, कोर प्रजातियां या इको टाइप्स? तो इसे बोला जाता है इको टाइप्स। एक बार पढ़ देता हूं मैं दोबारा से, विस्तृत जनसंख्या वितरण परास वाली प्रजातियां कभी कभी एक पर्यावास के लिए आनुवंशिक
रूप से अनुकूलित स्थानीय जनसंख्या का विकास कर लेती हैं, यानी कि होती तो बाहर की है लेकिन वो स्थानीय एक तरह से घुल मिल जाती हैं, उन जैसी ही हो जाती हैं पर्यावास में, तो उन्हें कहते हैं हम इको टाइप्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जैसे भी ये क्वेश्चन हैं 10, इनको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें इन्हें, और बाकी के पुराने वीडियो भी आप ध्यान से रख लें, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में लगभग आपके बहुत ही क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं ये, क्योंकि बिजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आप जानते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा क्या पढ़ना चाहिए, बिजन आईएएस की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, तो उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ इसे। तो इसी की वजह से जिन्हें रेगुलर वीडियो प्राप्त करने हैं यानी लेने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन होगा उससे दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो, आप जानते हैं जैसा, और जो नहीं जानते हैं समझ लें इस चीज़ को, नए होंगे यूट्यूब पे हो सकता है, उस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे बिजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ये आपके क्षेत्रीय ब्लॉक दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, और कौन सा क्षेत्र से संबंधित है वो दिया गया है। तो ये पहला है आपका मैस्कोसुर, मैर्कोसुर जो है क्षेत्र पूर्वी यूरोप में है, कारिकम जो क्षेत्र है वो कैरेबियन द्वीप समूह में है, और सार्कु जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना था। तो आपका पहला, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ये पहला वाला गलत है। इन क्षेत्रों को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट में रहे होंगे, इस वजह से बिजन आईएएस ने लिया है। तो आंसर हो जाता है 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करना है, सन्निघर्षण, संक्षारण, अपघर्षण, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भू आकृतियों में उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, यानी कौन सी भू आकृति होती है जिसमें ये सारी क्रियाएं जो पाई जाती हैं, जिसके द्वारा निर्मित होता है, एक तरह से मान के चलिए। तो काष्ठ स्थलाकृति, हिमनदी स्थलाकृति, शुष्क स्थलाकृति या नदीय स्थलाकृति, तो ये नदीय स्थलाकृति में ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई सौर सुजला योजना नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, इसके तहत किसानों को निःशुल्क सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान किए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके अपेक्षित लाभार्थियों में छोटे और बड़े किसान दोनों शामिल हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 और 3, यानी कि दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला गलत क्यों? क्योंकि ये निःशुल्क नहीं दी जाएगी, ये किफ़ायती रेट पर यानी सब्सिडाइज रेट पर एक तरह से सौर ऊर्जा संचालित पंप दिए जाएंगे, पंप तो दिए जाएंगे लेकिन किफ़ायती रेट पर। हाल ही में सुर्खियों में रही वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, यानी WESP रिपोर्ट जो है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं 3 साल से, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और विश्व बैंक, और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये निकाली जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण वायुमंडल की समताप मंडलीय परत, यानी समताप मंडलीय आपको पता होगा 20 से लेकर 50 किलोमीटर जो ऊपर जाते हैं हम, तो वहां पर पाई जाती है, समताप मंडलीय परत से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में एक समान रूप से कमी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा परिघटना होती है। तो आपको पता होगा इनमें से अरोरा जैसी घटना जो होती है वो आयन मंडल में होती है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। तीसरा गलत हो गया, ये हट गया और ये वाला हट गया। पहला आपको पता है कमी नहीं होती है, समान रहता है एक तरह से उसमें, तो ये कौन सा बचा? दूसरा, ओजोन परत तो पाई जाती है आपको पता है। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के बीच कुरान की
पाक शिक्षाओं का प्रचार करना था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समर्थन से पश्चिमी शिक्षा के द्वारा मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। तो इसमें से जो सही है वो पहला सही है, बाकी के दो स्टेटमेंट जो है पहला दूसरा तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में श्रम बल के एक भाग का निर्माण करता है? पहला स्टेटमेंट है संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण बेरोजगार व्यक्ति। तो इनमें से तीनों ही आंसर हैं। झील और तालाब के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है लिमनेटिक जोन यानी सरोजावी क्षेत्र उथला जल क्षेत्र है जहाँ जड़युक्त वनस्पति उगती है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोफंडल जोन जो है फाइटोप्लैंकटन के विकास हेतु आदर्श स्थान है। तीसरा स्टेटमेंट है बेंथिक जोन यानी नितलस्थ क्षेत्र जो है सभी क्षेत्रों में सबसे गहरा क्षेत्र है। तो इनमें से जो सही है वो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दो आपके गलत हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS परियोजना के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका इसका उद्देश्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के उपयोग के लिए संवेदनशील डेटाबेस को एकल डेटाबेस में समन्वित कर भारत की आतंकरोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका इसे एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु ई कोर्ट और ई जेल परियोजना के साथ एकीकृत किया जा रहा है। तो इसमें से जो सही है वो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निकायों को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को, वन्य जीव अपराध निर्माण नियंत्रण बोर्ड को, ब्यूरो को, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही बताइए, कौन सा उत्तर सही है इनमें से? तो ये स्टेटमेंट जो है दूसरा जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को एक तरह से वैधानिक दर्जा प्राप्त है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत। इन दोनों को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दर्जा नहीं है वैधानिक, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और कल से हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोगों ने कहा है, तो कल से हम लगभग ये मन के लिए 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन IAS की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक 22 वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा 23वां वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए IAS बनने के लिए खासकर प्री निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसा एग्जाम है उसी के फॉर्मेट में हम सीखें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी के रूप में ही अगर हम सीखेंगे तभी एक तरह से वहां पर जाकर हम उस समस्या को टैकल कर सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है, इसी वजह से मैं विजन IAS की टेस्ट सीरीज आपको आपके सामने रख रहा हूँ, और इसी वजह से जो जितनी भी कोचिंग है टेस्ट सीरीज कराती हैं। हालांकि करना एक अलग चीज़ है, वहाँ बैठ के और एक तरह से सुन लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप केवल सुनते रहिए और उसे अपने दिमाग में रखिए, जो भी चीज़ें ये बताई जा रही हैं आपको ज़रूर फायदा होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका यह संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय, यहाँ पर शब्द यूज किया है शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका विभाज्य पूल में सभी करों सहित विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाए गए अधिभार और उपकर सम्मिलित होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी में मौजूदा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। तो ऑप्शन आपका पहला है और दूसरा और तीसरा सही है,
या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर दो सही है, या फिर एक दो तीन सही है। तो आपका जवाब है, इसका आंसर है एक और तीन सही है, यानी पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दीवार और उपकर जैसी कोई भी चीज़ इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक सामाजिक न्याय से संबंधित है, न्याय प्रदान कर किया गया है, यानी सामाजिक न्याय किस में प्रदान किया गया है, तो ये प्रस्तावना में किया गया है और राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में किया गया है। तो आपको इन दोनों में से बताना कौन सा कथन सही है। तो ये आपको पता होगा दोनों में ही किया गया है, तो प्रस्तावना में भी किया गया सामाजिक न्याय और नीति निर्देशक तत्वों में भी निहित है, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए अनुसूचित जाति एससी और जनजाति, सॉरी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह आदिवासी या वनवासियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार देता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह मूल निवासियों को वन प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह जैव विविधता बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने का अधिकार देता है। और चौथा स्टेटमेंट है आपका, इस अधिनियम को भूमि वितरण योजना के रूप में सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो स्टेट ऑप्शन आपके सामने है, सही बताना है आपको कौन सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा और चौथा। तो आपका जवाब है एक दो तीन सही है, भूमि वितरण जैसी कोई योजना का सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, तो ये पहला और दूसरा तीसरा और स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्हें अच्छे से जान लें आप। अक्सर एक तरह से अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हाल ही में एक तरह से नागालैंड में जो विद्रोह चल रहा है वो भी एक तरह से जनजातीय समूहों से रिलेटिव है, इस वजह से जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए संसद के प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है ये प्राकलन समिति। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यह जांच करती है कि धन को उपयुक्त रूप से अनुमान में अंतर्निहित नीति के सीमा के अनुसार लगाया गया है या नहीं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हो जाता है एक दो तीन। और ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक तरह से प्राकलन समिति हुई और आपकी लोक लेखा समिति हुई, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है आपके सामने ये है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही नियुक्ति मंत्री के रूप में हो सकती है। तीसरा है आपका, एक मंत्री को उसके प्रदर्शन से असंतुष्टि के आधार पर कार्यालय से बर्खास्त किया जा सकता है। तो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन है एक तीन दो तीन और एक दो तीन, तो केवल जवाब है इसका केवल तीसरा सही है। और पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, आपको पता होगा। और इसमें जो है मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आपकी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही नहीं, इसमें कोई अगर सदस्य नहीं है उसकी भी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो ये इस वजह से यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है, तो ये देख लेना जरूरी है। और ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद अब नीति आयोग का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, भारतीय नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक न्याय हेतु संविधान में प्रावधान है, यानी भारतीय नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक न्याय हेतु संविधान में प्रावधान है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, संविधान पंचायतों को गाँव के आर्थिक विकास की योजना इकाई के रूप में स्थापित करता है। तो आपका जवाब जो होगा वो क्या है, पहला या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा, तो आंसर है इसका ये दो और तीन, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद अब नीति आयोग का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ये एक तरह से अलग है और ये अलग है। अभी देखते हैं ये कैसे कार्य करेगी, अभी पूर्ण रूप से एक तरह से कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो दो और तीन जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, राज्यसभा का सभापति विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता अपने आप में, क्योंकि एससी एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो केवल लोकसभा में है। तो देखिए, ये आपका गलत हो ही जाता है तीसरा, यानी कि इसमें पूछा गया कीवर्ड पर ध्यान देना हमें, कौन सा कथन गलत है, तो ये तो गलत है ही है। और पहला आपका गलत अपने आप में है ही है, राज्यसभा का सभापति विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता, जबकि राज्यसभा का जो सभापति था राज्यसभा द्वारा ही चुना जाता है और लोकसभा द्वारा, तो ये भी गलत हो जाता है। और संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया सकता, नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, तो ये भी गलत हो जाता है, यानी तीनों ही गलत हैं। तो आंसर है इसका 1, 2, 3। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा जिसे बोला जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। पहला है आपका, यह एक संवैधानिक निकाय है क्या? दूसरा है आपका, इसे पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, लोक अदालतों की स्थापना इसी के तहत की गई है। तो इसमें आंसर बताना है, पहला सही बताना है, कौन सा सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला और दूसरा। तो इसका आंसर है 2 और 3, यानी कि पहला आपका गलत है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान में रखना है इसमें नालसा के बारे में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, इसे अच्छे से देख लें। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की सांविधिक भूमिका, यानी संवैधानिक नहीं है ये आपको पता होगा, तो ये सांविधिक भूमिका है। क्या है राष्ट्रीय विकास की सांविधिक भूमिका? पहला स्टेटमेंट, अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाना। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। तीसरा स्टेटमेंट है, नियमित समय अंतराल पर राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समीक्षा करना। तो आपका जवाब होगा 2 और 3 है इसका आंसर, डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये नीति निर्माण से संबंधित है, तो विवादों का सुलझाने से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला आंसर गलत हो जाता है स्टेटमेंट, बाकी 2 और 3 सही है। जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम 1996 अधिनियमित किया है, इसके संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जिन्हें 73वें संविधान संशोधन या पंचायती राज में शामिल नहीं किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हर गाँव में एक ग्राम सभा होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत जल निकायों का प्रबंधन पंचायतों को सौंपा गया है। तो कौन सा सही है ये बताना है, इसमें से जो सही है वो आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इन्हें अच्छे से आप देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेशा से संबंधित। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेड इजी में। तो आइए आज की हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज पूरी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं 10 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका धन विधेयक से रिलेटिव। तो धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, लोकसभा में विधेयक के पारित न हो पाने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है राष्ट्रपति। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना इसे पहले तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब पहले ही एक तरह से आज्ञा ले ली गई है तो पुनर्विचार का तो कोई उठता ही नहीं है सवाल, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जब इसे राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसे प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये पूरी तरह से डिपेंड लोकसभा अध्यक्ष पर है। तो इस वजह से ये पहला दूसरा तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही कथन है वो बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य की नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है।
तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 51 है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संसद संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि के क्रियान्वयन के लिए भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप याद कर लें बिल्कुल, कि 253 के अंतर्गत यही सारी चीजें कही गई हैं कि वह है क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर उन्हें क्रियान्वयन करनी है तो भारत के किसी भी भाग, चाहे कोई भी हिस्सा हो, चाहे पूरा भारत क्यों ना हो, पर एक तरह से कानून बना सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं। और इस अनुच्छेद को आप अपने दिमाग में रख लें, ये अक्सर याद होना चाहिए आपको, एक तरह से ये मान के चलिए लगभग 249, 50, 51, 52, 53, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और हमारी पॉलिटी की जो एक सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में ही डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए, जैसे पहला है आपका क्षेत्रीय परिषदें, क्या ये क्षेत्रीय परिषदें 1956 में छठे छठे संशोधन द्वारा निर्मित संवैधानिक निकाय हैं, ये क्षेत्रीय परिषदें। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका नीति आयोग, ये है वैधानिक निकाय है। और तीसरा है आपका सहकारी समितियां, जो है संवैधानिक निकाय हैं। और चौथा है आपका प्रशासनिक अधिकरण, संविधान के अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकरण है। तो इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। देखिए, सहकारी समितियां, आपको पता होगा कि ये सहकारी समितियां जो हैं बिल्कुल संवैधानिक निकाय हैं। इनके बारे में हमें आपने भाग 9 खा सुना होगा, भाग 9 खा जो कि अभी जोड़ा गया है, तो उसके अंतर्गत सहकारी समितियां आती हैं। प्लस अनुच्छेद 42 खा है या फिर 43 खा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, उसमें दिया गया है इसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में बाद में जोड़ा गया है। और आपको पता होगा प्रशासनिक अधिकरण जो है वो भी संवैधानिक अधिकरण है, इनके बारे में अलग से अमेंडमेंट किया गया है। तो ये दोनों ही हैं। और आपका इसका भी पता है, नीति आयोग जो है वैधानिक अधिकार है, वैधानिक निकाय है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 3, 2, 3, 4 हो। अगर 2, 3, 4 होता तो वो ऑप्शन सही होता, यानी अपने आप में ये ऑप्शन सही है। और पहला आपको पता है क्षेत्रीय परिषदें जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आती हैं, जो अंतर्राज्यीय जो परिषदें हैं वो होती हैं संवैधानिक निकाय। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए, पहला हट जाएगा, तो देखिए ये वाला हट गया, ये अपने आप में हट ही गया, और ये हम अपने आप में हट गया, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन बचाइए, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में मिली कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला है आपका महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो आपको पता होगा, अपने आप में गलत हो गया, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। और दूसरा क्या है, महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल निर्धारित है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिए, प्रसाद पर्यंत तो है लेकिन कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है इसकी, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है पहला और दूसरा स्टेटमेंट। और मान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है, बिल्कुल सही है ये। और लास्ट है, चौथा स्टेटमेंट है, मान्यवादी को संसद के एक सदस्य के रूप में उपलब्ध सभी विशेष अधिकार और अनुमतियां प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा संसद में बहस जो होती है उसमें मान्यवादी को बैठने का भी उसमें अधिकार है। तो ऑप्शन हमारे तीसरा और चौथा सही है, तो ये वाला आंसर हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, संविधान संशोधन विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। तो आपको पता होगा ये संविधान संशोधन विधेयक चाहे निजी सदस्य हो चाहे सरकारी सदस्य हो, और आपको पता होगा निजी सदस्य किन्हें कहते हैं, जो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं निजी सदस्य, चाहे वो सरकार के यानी कि जो पार्टी सत्ता में उससे उसके हों, चाहे जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसके भी हों। तो ये कोई भी पेश कर सकता है इसे, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, एक ये फैक्ट भी सही है, क्योंकि इसे चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में आप पेश कर सकते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा स्टेटमेंट है, यदि एक संविधान संशोधन विधेयक संविधान के संघीय चरित्र में बदलाव से संबंधित है तो इसकी आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि होनी हो जानी चाहिए। तो देखिए, आपको पता होगा कि संघीय चरित्र में बदलाव, ये तो ठीक है, संघीय चरित्र में बदलाव से संबंधित है तो इसकी आधे से अधिक राज्यों को होनी चाहिए, लेकिन विशेष बहुमत से नहीं, ये होना चाहिए साधारण बहुमत से। ये बहुत ही थोड़ा डीपली है, इसे जानना आपको जरूरी है। तो अपने आप में जो है कौन सा स्टेटमेंट बचता है? केवल पहला। तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित तो में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। देखिए, किसी राज्य के उपराज्यपाल को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहने के लिए उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां वह नियुक्त किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, सुप्रीम कोर्ट के लिए स्थापित प्रावधान के विपरीत भारत के संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रख्यात विधिवेत्ता होने को योग्यता के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। तो इसमें जो है यही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई जो थोड़ा सा उलझाऊ है ये पोर्शन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जब किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब। दूसरा है आपका मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने में, जब उसे समाधान हो जाता है कि उसने विधानसभा का विश्वास खो दिया है। तीसरा है आपका विधानसभा द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार विमर्श सुरक्षित करना। तो ये तीनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिन पर राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए, सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? ऐसी सब्सिडी जो व्यापार संतुलन को बाधा पहुंचाती है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। सब्सिडी जो होती है वो आपको जान लेना चाहिए कि व्यापार संतुलन को जो है बाधा तो कभी नहीं पहुंचाएगी एक तरह से, ये ध्यान में रखना है। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? उत्पादन को सीमित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। तो ये बिल्कुल सही है, उत्पादन को सीमित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाई जाती है। अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है क्या है? ऐसी सब्सिडी जो व्यापार संतुलन को बाधा नहीं पहुंचाती है। तो ये जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है ये आपकी संतुलन में बाधा पहुंचाती है, ये ध्यान में रखना है। तो अपने आप में बचा कौन सा? ये वाला सही है दूसरा। तो इस वजह से आंसर इसका ये हो जाता है। और इसका डिस्क्राइब जो है डिस्क्रिप्शन